आनंदपुर गांव में सोहन नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए जाना जाता था। इसकी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में बहुत मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थीं और वह एक अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, सोहन के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लग गया। अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहाँ से एक दो चुंबक के टुकड़े ले आया। उन टुकड़ों को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया जिसने सोहन के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से सोहन को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को सोहन की यह चालाकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने सोहन को बहुत समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोहन ने अपनी पत्नी की एक ना सुनी और वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को कम सामान देने लगा और धोखा देकर अधिक मुनाफा कमाने लगा। इससे सोहन को बहुत खुशी हुई। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक नया लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी खरीदे। सोहन ने उसे भी चुंबक लगे तराजू से जलेबियां तोलकर दे दी। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाई तो उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कुछ कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए सोहन से दोबारा से जलेबियों को तोलने के लिए कहा। रवि की बात सुनकर सोहन चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि बार बार तुम्हारी जलेबियों को तोलता रहूं। इतना कहकर उसने रवि को वहां से जाने के लिए कह दिया। सोहन मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रवि जलेबी लेकर वहां से चला गया। वह एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तोलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने उन जलेबियों को तोला तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही थी। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया था कि सोहन मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने का निश्चय कर लिया था और उसके लिए वो खुद एक तराजू खरीद लाया और उसे ले जाकर सोहन मिठाई वाले की दुकान के पास ही रख दिया। फिर रवि अपने सभी गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने में लग गया। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव के लोगों को कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोहन मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तोलना होगा और आप देखेंगे कि कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू से तोली गई मिठाइयाँ इस दूसरे तराजू में आने पर अपने आप ही कम हो जाती हैं। कुछ देर बाद एक दो लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुंचे तो उसने ऐसा करके भी दिखा दिया। इसके बाद सोहन की दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी सभी ने राजू को तराजू में तोलकर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। यह सब देखकर लोगों को काफी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास ही यह सब होता देखकर सोहन मिठाई वाला रवि से झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि रवि यह सब नाटक कर रहा है अपनी बात को सही साबित करने के लिए। रवि सीधे सोहन मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगे हुए चुंबक को निकालकर सबको दिखाने लगा। यह देखकर गांव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। सब ने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी और यह वादा भी किया कि भविष्य में कभी कोई ऐसी जालसाजी नहीं करेगा। सोहन की इस धोखाधड़ी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना कम कर दिया था। उधर सोहन के पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचा था क्योंकि वह पहले ही पूरे गाँव का भरोसा खो चुका था।
तो हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ काम करने से ही इंसान का नाम होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए हमें ज्यादा फायदा हो जाए, लेकिन उससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों ही कम हो जाते हैं।